ये अमल सिर्फ 3 दिनों में दुश्मन का बैंड बजाने के लिए काफी है। साथियों, काफी लोगों ने यह सवाल किया है कि दुश्मन को मनचाही सजा देने के लिए ऐसा कोई अमल बताइए जो करने में बहुत आसान हो और अपने घर में बैठकर किया जा सके, और अपने घर बैठे दुश्मन को मनचाही सजा देने में कामयाबी मिल सके। तो आइए इस वीडियो में मैं आपका परिचय एक ऐसे ही अमल से कराता हूं कि जिसे सिर्फ 3 दिन आप करते हैं तो आप अपने घर बैठे दुश्मन को मनचाही सजा देने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आपकी डिमांड पे मैं ये वीडियो, ये अमल आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आपसे भी मैं एक डिमांड करता हूं, एक गुजारिश करता हूं कि आप भी इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि मेरी पूरी बात और इस अमल की पूरी बातें और ये अमल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक, बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। साथियों, सबसे पहले ये अमल मैं आपके हवाले कर दूँ, उसके बाद में इसकी पाबंदी और शर्तें या कुछ बेहतरीन बातें आपके हवाले करना चाहूँगा जिसे जानना आपके लिए जरूरी होगा। तो ये अमल है सूरह माउन का। सूरह माउन का ये अमल दुश्मन को मनचाही सजा देने के लिए मुजर्रब है, आसान है, घर में बैठ के किया जा सकता है और बहुत ही जल्द अपना असर दिखाता है। तो इस अमल में एक जगह को और एक वक्त को फिक्स करना होता है। उसी जगह पे, उसी वक्त पे रोजाना 3 दिनों तक पढ़ा जाए इस अमल को पढ़ना होता है। इस अमल को अंधेरी रात में और अंधेरे वाली जगह में किया जाता है। जब भी अंधेरी रात आए तो अंधेरी रातों में अंधेरी वाली जगह पे इस अमल को आप यूं पढ़ें कि उस जगह पे आप जाएं, पाक साफ साफ सुथरा होके, बावजूद होके उस जगह पे जाएं और अपने काम की मजबूत नियत करें। अपने दुश्मन को जो भी आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो भी सजा आप देना चाहते हैं, उसकी एक मजबूत नियत करें। आपका वक्त खराब करने का मकसद नहीं है कि ये करने के लिए, वो करने के लिए। जो भी आप चाहते हैं कि दुश्मन को यह नुकसान पहुंचे, दुश्मन को यह हो जाए, दुश्मन को यह सजा मिले, आप उसकी मजबूत नियत कीजिए। अब आप इस अमल को इस तरह से पढ़िए कि शुरुआत में अव्वल आखिर 11 बार तो दुरूद पाक पढ़ना है, लेकिन शुरुआत में आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा पढ़ना है। बाकी आप सूरह ही पढ़ें, आयतन नजीम कदीन यदीम, आपने इस तरह से सूरह ही पढ़ना है, क्योंकि हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ आप पढ़ेंगे तो ज्यादा वक्त लगेगा। वैसे ही 1100 बार आपने इस अमल में पढ़ना है सूरह माउन को। तो अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ें, शुरुआत में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम में पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। अब 1100 बार सूरह माउन पढ़ें और अमल को मुकम्मल करें। अमल के मुकम्मल होने के बाद आप अपने दुश्मन को जो नुकसान देना चाहते हैं, जो सजा देना चाहते हैं, वो बुलंद आवाज में कहें। ऐसे ना कहें कि आपका पड़ोसी सुने और कोई सुने, इतना बुलंद आवाज हो कि आप बुलंद आवाज में कहें। तो इसी तरह से उसी जगह पे, उसी वक्त पे 3 दिन आपने बताए हुए तरीके से इस अमल को करना है। और इंशाअल्लाह आप अपने घर बैठे 3 दिन के बाद क्या देखेंगे कि जिस दुश्मन को आप जो सजा देने के लिए, जो नुकसान देने के लिए ये अमल कर रहे थे, उस पे वो आ जाएगा, उसको वो मिल जाएगा। ये तो रहा साथियों अमल। और अमल की पाबंदी और शर्तें ये हैं कि इस अमल को किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के लिए करने की जरूरत नहीं है, किसी छोटी मोटी परेशानी के लिए और छोटे मोटे विवाद के लिए, तो तू मामे के लिए इस अमल को करने की इजाजत नहीं है, नहीं तो जरूरत है। इस अमल को करने की इजाजत वहां पर है जहां पर कोई आपके जान का, आपके माल का प्यासा है, ताकत में आपसे बहुत बड़ा है, किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, कोई आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है,
तो ऐसे मौके पर आप इस अमल को करके अपनी बात को, अपनी फरियाद को इस वजीफे के जरिए, इस अमल के जरिए, इस दुआ के जरिए रब की बारगाह में रखते हैं। फिर रब तबारक व तआला आप हक पर होते हैं, आप सही होते हैं, और दुश्मन नाहक पर होता है, गलत होता है। तो आपके हक पे होने की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से, इस अमल की बरकत से रब तबारक व तआला उसको सजा पहुंचाता है, उसको नुकसान पहुंचाता है और उसके किए की सजा उसको देता है। हमारा और आपका कोई अधिकार नहीं है कि हम और आप किसी को सजा दे सकें, किसी को सजा दें, या कोई पावर नहीं हमारे आपके अंदर कि हम किसी को सजा दे सकें। लिहाजा इन बातों का खास ख्याल रखें, और इस तरह से अगर आप करते हैं तो इस अमल को करने की इजाज़त मिलती है। दुश्मनों के अमलिया के आदाब को जानना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने ये बातें आपको बताया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कर दीजिए या कुछ ना कीजिए, आपकी मर्जी है। आपने पूछा तो मैंने ये अमल आपके हवाले कर दिया। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, उसके अमल नक्श के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।